आज बनाने वाली जड़ता पुलाव। ये देखिए, मैंने बासमती चावल लिए एक बाटी। ये पानी में मैं एक घंटा इसको सोख कर लेती हूँ। चावल भीग गया, देखिए कितना अच्छा भीगे। ये दो तेज पत्ते, दो इलायची छोटी वाली, चार लवंग, थोड़ी सी दालचीनी, ये मैं पानी में डालती हूँ। थोड़ा सा नमक डाल देती, थोड़ा सा कलर चावल डाल देती। देखिए भात पक गया, अच्छा पक गया भात। अब मैं इसको छान लेती। दो चम्मच घी डालती उसमें ना। ये मैंने थोड़ा सा बादाम लिया, थोड़ा सा ये नारियल काट के ली। इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट करके लेती। ये थोड़ा सा काजू। अब ये हो गया, अब मैं इसको निकालती। अब कढ़ाई में राइस को डाल देती, शुगर डालती। अब इसको थोड़ा सा हिलाती, चीनी को थोड़ा मेल्ट होने देती। अब ये ड्राई फ्रूट डाल देती, थोड़ा सा वनीला डालती, ये घी डालती, दो चम्मच घी डाली। थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल डालती। मस्त बन गई जड़ता पुलाव। रेडी है मेरी जड़ता पुलाव। ठीक है, मैं इसको गार्निश करती हूँ करुणा चेरी से। थोड़ा सा नारियल रखी थी कद्दूकस किया हुआ, मैं इसको भी पिंगल करके देती हूँ। टूटी फ्रूटी कलरफुल देखने के लिए, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मस्त बन गई, देखिए एकदम रेडी है। और बहुत एकदम चावल तो देखिए इतना सही बना ना। आप भी बनाइए, मस्त हो गया।